गाइस, वेलकम टू ऑल सेलफामा ट्यूटोरियल। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपनी पैथोफिजियोलॉजी। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, हीमोफीलिया। कुछ लोगों को मेरी राइटिंग से थोड़ा इशू हो रहा है, जो कि मैंने बहुत गंदी लिखी है पीछे के वीडियोज़ में। तो मैं सोच रही हूँ वापस से अपने उसी तरह से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी और पेपर पे यहाँ पे एक बार के लिए समझा दूँगी कि मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये देखो 5 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में पूछता ही पूछता है आपके एग्जाम में, और बहुत इजी टॉपिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वैसे भी मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ वो इजी बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं इजी बताती हूँ तो आपका इंटरेस्ट पहले से बढ़ जाता है। मैं पहले ही कहने लगूँ नहीं बहुत टफ है, नहीं समझ आएगा, तो नहीं समझ आता है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया। तो अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है हीमोफीलिया नाम सुन के कैसा लग रहा है? कुछ डरा सा लग रहा है। देखो, बताई थी मैं पिछली वीडियोस में हीमो मतलब क्या होता है, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड होता है कि नहीं, और फीलिया मतलब क्या होता है, लव। ठीक है, लव वाला लव नहीं, लव मतलब ब्लीडिंग लव। यानी हीमोफीलिया मतलब क्या होता है कि लव टू ब्लीडिंग। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे सिर्फ ब्लीडिंग ही हो रही है, ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता क्या है। तो देखो, जो हीमोफीलिया है इज इन द एक्स लिंकेज, आपके में एक्स और वाई दो लिंकेज होते हैं ना, तो एक्स लिंकेज कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है ऑफ ब्लड। कंजेनाइटल क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये बचपन से होता है, मतलब किसी बच्चों में भी होता है, इसलिए इसको कंजेनाइटल बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंजेनाइटल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंजेनाइटल। इट इज़ अ मोर कॉमन इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, मतलब जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है ये कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ए और टाइप बी। देखो, ये दो टाइप के होते हैं मेनली, टाइप ए होता है और टाइप बी हीमोफीलिया होता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि आप लोगों ने क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है कभी? फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ाई है एच ए पी में, मुझे पता है। क्लॉटिंग फैक्टर, कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 13, उसमें से 6 नंबर वाला जो होता है वो नहीं होता है, बाकी तो कुछ लोग इसको 12 भी बोलते हैं, कुछ लोग 13 बोलते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, तो अब मान लो क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या था, ये क्लॉट करवा रहे थे, मान लो कोई इंसान है। ठीक है, अब उसकी क्या हो गई, यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब ब्लीडिंग हो गई है स्टार्ट, तो अब क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है, मान लो गिर गया, पड़ गया, या फिर कोई भी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत हमारे जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। जिस और ये क्लॉट क्या करता है, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, ब्लीडिंग को क्या करता है, कम करता है। समझ आया इतना चीज़ कि मान लो किसी इंसान की कोई इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में क्या होगा, जो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव जब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो बस इतना याद रखना है। अब मान लो अब कोई आपसे पूछे कि ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे, कि क्लॉटिंग फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम आई है, यही तो बोलोगे ना। तो बस अब यही चीज़ आपको देखनी है हीमोफीलिया में। तो चलो बात करते हैं। देखो, हीमोफीलिया जो होते हैं इसमें मेनली हीमोफीलिया 1 होता है और हीमोफीलिया 2 होता है। तो हीमोफीलिया 1 जो होता है, ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द फैक्टर कौन सा है, 5, 6, 7। ठीक है, तो फैक्टर जो 8 होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से हीमोफीलिया ए होता है, और फैक्टर जो हमारा 9 होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया बी होता है। दो चीज़ें पता चली, फैक्टर अगर हमारा 8 होगा तो उसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है और बी होता है। जो हमारा हीमोफीलिया ए होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू हीमोफीलिया बी। तो ये आप लोग ऐसे टाइप्स लिख दीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी जो होती है उसमें मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया है आपका क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था कि क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। तो देखो, जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या, देखो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है, पता है आप लोगों को ना। तो टिश्यू फैक्टर जो होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, हमारा जो फैक्टर 8 है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे जो फैक्टर 12 है, फैक्टर हमारा कौन सा, ये 12 है और ये फैक्टर 11 है। तो 12 होता है वो एक्टिवेट होता है 12A में, और फिर जो 12A है वो एक्टिवेट कर देता है 11 को 11A में। तो आप लोग को कैसे याद रखना है ये, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो, सबसे पहले याद रखना है 12, 11, 10। 12 जो एक्टिवेट किया 11 को, 11 एक्टिवेट किया 10 को। यहाँ से हमारा जो फैक्टर 8 है वो भी एक्टिवेट करता है किसको, 10 को। और इधर हमारा जो होता है फैक्टर 7 होता है वो हमारा एक्टिवेट करता है 10 को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को, शॉर्ट में बता रही हूँ। तो देखो, फैक्टर ये हमारे क्या है, 12 है, ये एक्टिवेट हुआ 12 में, अब ये एक्टिवेट कर दिया 11 को 11A में। अब ये 11 जो है ये एक्टिवेट कर देगा 9 को 9A में। ठीक है, अब ये 9A जो है ये एक्टिवेट कर देगा किसको, मेन हमारा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, 10 होता है ना, 10 को 10A में कर देगा। और जो 7 है जिसको हीमोफीलिया ए बोल रहे हैं ये, और जो 10 है हमारा, सॉरी 9 है हमारा हीमोफीलिया बी, ये दोनों एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को 10A में।
और जो यहाँ रहा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, इसमें फैक्टर जो हमारा 7 होता है ये मेनली एक्टिवेट करता है किसको, 10 को ही। ठीक है, तो इतना समझ आया। देखो 7 एक्टिवेट कर रहा है 10 को, यहाँ पे हमारा फैक्टर 8 एक्टिवेट कर रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट हमारा फैक्टर 9। तो 7, 8 और 9 आप बोल सकते हो, लेकिन जो हमारा 7 वाला होता है उनको हीमोफीलिया ए बोल, जो 8 वाला होता है उनको हीमोफीलिया ए बोलते हैं और हीमोफीलिया बी इसको बोलते हैं। इतना आया समझ में। अब देखो 10 ही एक्टिवेट हुआ, ये क्या करता है मेनली, जो हमारा फैक्टर 2 होता है प्रोथॉम्बिन जिसे कहते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है किसको, फैक्टर 2 को, मतलब 2A में। समझ आया। और ये 2A जो होता है प्रोथॉम्बिन से थ्रॉम्बिन बन गया, ये थ्रॉम्बिन से हमारा फिर क्या बन जाता है, फिब्रीन बन जाता है, जिसे फर्स्ट ए बोलते हैं फिब्रीन। और मेनली फिब्रीन क्या करता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, फिब्रीन का नॉर्मल मतलब क्लॉट होता है, मतलब नॉर्मल हमारे फिब्रीन जो होते हैं, लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए कौन हमारा होता है मेनली, फैक्टर 13A जो होता है और फिर फैक्टर 1A जो होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, यानी आपकी ब्लीडिंग जो है वो क्या होगी, रुक जाएगी। समझ आया। एक बार फिर से बताती हूँ, हीमोफीलिया ए हुआ, चलो इसको बताती हूँ। देखो हीमोफीलिया हमारा कौन सा था, यहाँ पे फैक्टर हमारे यहाँ पे 7 थे और यहाँ पे हमारा मेनली कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। यहाँ पे जो एक्टिवेट हो रहा है 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 9 को कर रहा है, फिर ये तीनों जो हैं ये इसको कर रहा था। ठीक है, ये और ये तीनों मिलकर किसको कर रहे हैं, एक्स ए को एक्टिवेट कर रहे हैं 10 को। अभी 10 वाला किसको कर रहा है, 2 को एक्टिवेट कर रहा है यानी प्रोथॉम्बिन को, और प्रोथॉम्बिन से क्या हो रहा है, जो फैक्टर 1A है वो एक्टिवेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 है। अब ये मेनली क्या करता है, क्योंकि ये फिब्रीन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन फिब्रीन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, स्टेबल नो मतलब नहीं, स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, जो हमारा फैक्टर 13 होता है, 13 ही था ना, हाँ ठीक है, फैक्टर 13 जो होता है वो क्या करता है, इसमें स्टेबल क्लॉट बना देता है। आया समझ में। देखो बहुत इजी है, एक दो बार आप लोग देखोगे आप लोग को तैयार हो जाएगा, पैदा फिजियोलॉजी में आप लोग को ये लिखना। अच्छा एक चीज़ और, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना, मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, ये कैस्केड होता है। कैस्केड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये लाइन वाइज चल रहा है, ये इसको एक्टिवेट, फिर ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको ना, तो कैस्केड प्रोसेस होती है। तो अब बताओ हीमोफीलिया में क्या लिखना है आपको, यहाँ हीमोफीलिया ए लिखना है, यहाँ हीमोफीलिया बी पेपर में। तो आपको ये चीज़ बता रहा है कि देखो मैंने ब्लैक से भी लिखा है इसीलिए कि ये चीज़ बता रहा है कि अगर फैक्टर ये वाला कम हुआ तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हीमोफीलिया ये हो रहा है। अगर फैक्टर ये कम हुआ, ये मतलब कि फैक्टर ये कौन सा है, 8 है और ये फैक्टर 9 है, अगर 8 और 9 कम हो रहा है ना, तो इसी की वजह से क्या हो रही है, पूरी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह। चलो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यही होगा कि मोस्टली ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा दिखेगी। तो चलो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, देखो सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, मान लो किसी को इंजरी या कट हो गया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा, इस जो मसल और जॉइंट होती है वहाँ पे भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अनयूजुअल ब्लीडिंग, वैक्सीनेशन अगर करवाए हुए आप लोग तो क्या होता है, IV सॉल्यूशन यानी इंट्रावैस्कुलर जब दिया जाता है IV, तो वहाँ से आप लोग देखोगे थोड़ा सा ब्लड बाहर आता है। ठीक है, तो वो जो ब्लड बाहर आया अगर हम लोग उसको कॉटन मतलब एथेनॉल वगैरह कॉटन जब उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सही हो जाती है ब्लीडिंग। लेकिन जिनको हीमोफीलिया हुआ है वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं सही होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नोज़ ब्लीड फॉर नो ऑब्वियस रीज़न, मतलब नाक से जो होगा वो भी खून आने लगेगा। ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल, यानी आपके यूरिन और स्टूल में क्या होगा, स्टूल मतलब फिसेस, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ से भी आपके ब्लड आने लगेगा। और ब्रेन ब्लीडिंग, ठीक है, ब्रेन ब्लीडिंग मतलब दिमाग से क्या होगा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से रिपीटिंग वॉमिटिंग दिखेगी, स्लीपलेसनेस मतलब सो नहीं पाएगा इंसान अच्छे से, और चेंज बिहेवियर। ठीक है, तो ये इतना समझ आया। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि उस इंसान को हीमोफीलिया हुआ है कि नहीं, तो सबसे पहले जो देखो मैंने बताया था कंजेनाइटल होता है ना, छोटे बच्चों में होता है, तो न्यू बॉर्न जो बेबी होंगे उनमें से हम लोग ब्लड ले लेंगे सबसे पहले, क्योंकि उनको इतना सारा जो टीके लगते हैं बचपन में वैक्सीन्स, वो यही सब चीज़ों की लगती है कि कहीं उसको ये डिजीज़ या वो डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ब्लड ले लेंगे और यूज़ टू मेक डायग्नोसिस, वहाँ से हम डायग्नोसिस करेंगे। जो पेशेंट है उसकी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उस पेशेंट की क्या करेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो मतलब हम देखेंगे कि क्या उसका कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, और आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या हो सकती है। ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा मैंने बताया ना 8 और 9, उसका ऐसे करेंगे। ऐसे मतलब क्या होता है, लैब में ले जा करके उसको टेस्टिंग की जाती है कि क्या वो प्रेजेंट है उसके ब्लड में या नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमें पता चल जाएगा हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी हुआ है। ठीक है, तो आया ना इतना समझ में। हीमोफीलिया ए और बी ऐसे करते हैं, ऐसे लिखेगा ASSAYS एसेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो ट्रीटमेंट में यही है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है या मिस हो चुका है उसको वापस से बॉडी में देना, यानी रिप्लेसिंग द क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम इट ब्लड
तो फर्स्ट तो ये हो गया. सेकेंड है द फैक्टर, जो हमारा ये और ये वाला फैक्टर कौन सा हमारी है, 8 और 9, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 8 9 8 9 89, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, रोल नंबर 89. यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द हीमोफीलिया इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट फैक्टर, ठीक है. तो द फैक्टर जो आपका ये दोनों हो गया, इसका यूज़ किया था रिकॉम्बिनेंट फैक्टर में, तो एक ही हो गया. तो आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें. तो और एक चीज़ और कि यार आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो थोड़ा बहुत प्लीज़ शेयर कर दिया करें, जैसे कि मुझे भी ठीक लगे और एग्ज़ाम आ रहे हैं और मेरी मेहनत भी डबल हो गई है. तो बाकी अच्छा लगे तो बताइएगा और कमेंट करिए कोई भी डाउट हो. और अच्छे से पढ़िए, बुक वगैरह ज़रूर प्रीफर करिए हर चीज़ पढ़ने के लिए, सिर्फ किसी भी वीडियो के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आज वीडियो है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रहे. जो जैसे आपको जो टॉपिक चाहिए वो बुक में तो अवेलेबल है, पर ये कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियोज़ में नहीं चीज़ें मिल पाती हैं पूरी. तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, बाकी जैसा मन जैसा, तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए. जय हिंद, जय भारत.